प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। अगर बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। मनुष्य के अंतर्मुख को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है और आत्मविश्वास ही ऐसे एक पूंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सक सकते हैं। एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग आता ही आता है, इसलिए एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जरूर आ रहा है। ऐसे ही एक युग के पास दूसरा युग, इसलिए युग को खराब करने का काम हम लोगों का है, युग को परिवर्तन करने का दायित्व भी हम लोगों का है। देवियों और सज्जनों, एक और हमारा देश नित नई ऊंचाई के छू रहा है और चाहे चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं या विश्व स्तर पर खेलकूद के क्षेत्र में नई अध्याय लिखने हो, हमारे देशवासी अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलने भारत की खूबसूरती तस्वीर है, बदलते खूबसूरती तस्वीर है। दूसरी ओर एक अत्यंत गंभीर विषय है जिसे आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीट की तैयारी करने वाले दो विद्यार्थियों ने अपने जीवन, अपने सपनों, अपने भविष्य का अंत कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे बच्चों ने पिछले दिनों अपने आप को इस दुनिया से खुद को विदाई कर लिए। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भाव है जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जब कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। मैं सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों पर पढ़ाई का कंपटीशन का प्रेशर है तो पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा उसे दूर करके उनका आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। जितना जरूरी उनका करियर है उतना ही जरूरी है कि वे जीवन की चुनौतियों का डटकर धैर्य के साथ सामना करें। उसीलिए उनको तैयारी करना, सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आज का ये जो थीम पॉजिटिव चेंज, मुझे लगता है ये थीम के सहायता से उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं और देश के लिए जो गौरव आने वाले ये बच्चे, देश को विकास धारा में आने वाले ये बच्चे जो आधा अधूरा जिंदगी जी के चले जाते हैं, उनको हम बचाया जा सकते, सुरक्षा दे सकते। देवियों और स्वजनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण है और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर
अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना आवश्यकता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या पॉजिटिव है क्या जरूर क्या नेगेटिव है। क्योंकि ये जो युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंस साइंटिफिक युग है, साइंस का युग है। यहाँ के बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, इसीलिए ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उतने ही थोड़ा धैर्य शक्ति से थोड़ा कमजोर होते हैं। धैर्य से जीने का उनको सिखाना चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्य इस दिशा में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंतर्मुख को जागृत करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक सोच और कार्य से केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सब लोगों के जीवन भी बेहतर बनाया जा सकता है। मेरी आध्यात्मिकता यात्रा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मेरे बहुत साथ दिया। कठिनाई के तौर पर जो मैं अपने जीवन जीती थी उनके पास मैं जाती थी, लेकिन मन में जब बहुत दिनों के बाद ये रास्ता कहने में इतने आसान है लेकिन निभाने में थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन कहते ना कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते। कोई ऐसे कष्ट का रास्ता को भी जो प्रयास करे उसको हम जीत पाएंगे और उसका सफलता हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य के जिंदगी जीना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी का रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगे। जिंदगी में बहुत सारे रास्ता मैंने चुनी थी लेकिन ब्रह्मा कुमारी का रास्ता ऐसा ही आजक आप सहजता से चलते फिरते काम करते ये अपने जिंदगी को आप अच्छी तरह से जी पाएंगे। जिंदगी जीने का कला वो सिखाते हैं। सही अर्थ में सचेत व्यक्ति सचेतनशील और विनम्र होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा होता है और आत्मविश्वास ही ऐसे एक पूंजी है जिससे हम अपना सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज हम सब टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और बच्चे भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करते हैं, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हम दिन का कुछ समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहकर बिताएं। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आध्यात्मिकता को भी जो जोड़े जिंदगी आसान हो जाएगा। जिस मकसद से परमपिता परमात्मा ने इस धरती को हमको भेजे हैं, ये केवल खाओ पियो रोटी कपड़ा मकान ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करो ये नहीं है। जिंदगी को कैसे सफलता से आध्यात्मिक जिसलिए हम आए हैं सुख शांति आनंद प्रेम से जी करके, इसके साथ भी है दुख अशांति मोह माया हिंसा देश, लेकिन हम जो प्रैक्टिस करेंगे सुख शांति आनंद प्रेम से जीने का, मुझे लगता है ये रास्ता इतना कठिन नहीं है, बहुत सहज ही है। हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है। केवल ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं, यहाँ जितने भाई बहन मुझे लगता है 95% ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करते हैं। हम एक केवल शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, वो परमपिता परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। केवल शरीर होता तो शायद मुर्दा भी काम करता, एक लाश भी अपनी जिंदगी जी लेता, इसके अंदर आत्मा है। इसीलिए आत्मा को लेके शरीर के लिए खाद्य वस्त्र वासगृह अच्छा मकान ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन मन के लिए आत्मा के लिए भी खाना चाहिए।
आत्मा के लिए खाद्य जरूरी होता है, धैर्य, सहनशीलता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का रास्ता है। इसलिए धैर्य से जिंदगी जीना थोड़ा कठिनाई है, लेकिन कठिनाई से जीते जीते, कठिनाई के रास्ते पे चलते चलते रास्ता, ये कठिन रास्ता भी सहज हो जाता है। इसीलिए उसी रास्ता है चले चलना, रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसी रास्ता से चलना एक्चुअली सुख मिलता है। एक बात में हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग के को कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। जीवन का सही ढंग से जिए तो हर पल खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। ब्रह्मा करीबी बहने भाई, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी प्रेम, सद्भाव और शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज 140 से ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ये राजयोग यक्ष शिक्षा देते हैं और राजयोग में चलाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं। शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। किसी की सोच में बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रबल इच्छा शक्ति से किए गए कार्य सफलता जरूर मिलेगा। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास के बल पर महिला नेतृत्व वाला ये ब्रह्मा कुमारी संगठन जनकल्याण की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। देश या पूरा दुनिया को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए मुझे लगता है ये रास्ता जरूर एक ना एक एक दिन उनके लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा और ये चेंज दुनिया जरूर होगा, क्योंकि कहा जाता है सोमवार के बाद पुनः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे जो 7 वीक होता है, ऐसे 4 युग, एक युग खत्म होने के बाद दूसरा युग आता ही आता है। इसलिए एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जरूर आ रहा है, ऐसे ही एक युग के पास दूसरा युग। इसलिए युग को खराब करने का काम हम लोगों का है, युग को परिवर्तन करने का दायित्व भी हम लोगों का है। इसलिए ये दायित्व, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबको लेना चाहिए और युग परिवर्तक आप सब है, हम सब है। हम जो अपने मन को परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज करेंगे, जो जरूर ये स्वर्णिम युग जिसको हम स्वप्न देख रहे हैं, राम राज्य लाने के लिए राम बनना पड़ेगा, सीता बनना पड़ेगा, विश्वगुरु बनने के लिए उसी दिशा में कदम रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।